हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं फैनको डीसीएस टीटन लैंड्स कोरोना में होने वाले आज के पहले और दूसरे मुकाबले की। सी साइड सीसी और स्टार्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। स्टार्स की टीम 4 मुकाबले खेल कर आई है और सी साइड सीसी की टीम सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले खेल कर आई है। कल भी हेलिंग्सबर्ग स्टार ने 2 मुकाबले खेले, अपने दोनों के दोनों हार कर आए हैं। सी साइड सीसी पहले दिन ही अपने 2 मुकाबले खेलकर आई थी, वहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही थी, बट टीम ने इतना ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं करा है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सी साइड ना एक ही मुकाबला जीती है और एक मुकाबला हारी है, इतना ध्यान रखना। स्टार्स अपना एक भी मुकाबला नहीं जीती है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। पहला मुकाबला 12:30 बजे, दूसरा मुकाबला 2:30 बजे आपको लाइव देखने को मिलेगा। ECS टीटन लैंड्स कोरोना का 9वां और 10वां मुकाबला है। आज के दिन आपको दोनों के दोनों मुकाबले लाइव देखने को मिलेंगे। प्रीव्यू की अगर आप बात करो, दोनों ही टीम्स अभी के लिए अगर आप देखो तो जीत, मतलब वो ये विन के लिए खेलेंगे आज का जो दोनों के दोनों मुकाबले खेलेंगे। बट हेलिंगसन स्टार्स की अगर आप बात करो, एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं, सी साइड एक मुकाबला जीते हैं और अपने लगातार एक मुकाबला हार कर आए हैं। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे, 56% ह्यूमिडिटी है, 14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है, 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको विंड चलती हुई दिखेगी। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी के लिए क्या हो रहा है, रन्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियली पिच यूज़ हो रही है और उसमें रन्स बन रहे हैं प्लस विकेट्स भी गिर रही हैं। विकेट कहाँ गिर रही हैं कि भैया कैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 100 के करीब अगर रन्स बन जाते हैं, आराम से यहाँ पर टीम जीत सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करोगे, 40% ही ट्रैक है यहाँ पर, इस ट्रैक के ऊपर 40% ही है कि भैया चेज करते हुए टीम जीती है, डिफेंड करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान है। स्टार्स की अगर आप बात करोगे, मधुबन प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टेंसी कर रहा है अपनी टीम के लिए और अपने आप को ऊपर प्रमोट करता है, भैया तीसरे नंबर पर आ रहा है। प्रमोद आपके पास है अभी के लिए, प्रमोद दोनों प्रमोद तो नहीं खेल रहे हैं, हो सकता है दूसरा वाला प्रमोद कोम्पेला आज के मुकाबले में आपको वापस आता हुआ दिखे, जो स्टार्टिंग के 2 मुकाबले खेला था। देवेंद्र सिंह आपके पास है, चंद्रू गणेशन, नुस्कत गणेश, कृष्णामूर्ति, अविनाश पांडा, देखते हैं भाई अविनाश पांडा को टीम वापस बुलाती है नहीं बुलाती है। स्टार्टिंग के 2 मुकाबले तो प्लेयर खेलता, बहुत बढ़िया इसके स्टैट्स हैं पुराने अगर आप देखोगे। सुहास शेट्टी, सचिन शेट्टी, रोहित सप्रू, राहुल त्रिनेट आपके पास है। अपने चारों के चारों मुकाबले स्टार्स की टीम हार कर आई है। अपना पहला वाला मुकाबला 6 रन से, दूसरा वाला मुकाबला 20 रन से, तीसरा वाला मुकाबला 18 रन से, चौथा वाला मुकाबला 6 विकेट से। तो 3 मुकाबले डिफेंड करते हुए, 1 मुकाबला चेस करते हुए टीम हारी है। सुहास शेट्टी की अगर आप बात करें, कंसिस्टेंट प्लेयर है, लगातार 3 मुकाबलों में 30 से ऊपर स्कोर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रन बना रहा है। प्रमोद की अगर आप बात करोगे, पिछले 2 मुकाबलों से इसे ओपन करवाया गया। नॉर्मली अविनाश पांडा आपको बॉलिंग कर यहाँ पर ओपन कर देकर जा रहा था स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में, उसके बाद जब 2 मुकाबलों में ड्रॉप किया गया था, प्रमोद ने ओपन करा है। मधुबन प्रभु रमन की अगर आप बात करो, पहले मुकाबले में आउटस्टैंडिंग रन्स करे थे, 25 रन की पारी खेली, 2 विकेट चटकाई, दूसरे मुकाबले में 1 रन के साथ 4 विकेट। इसके बाद इसकी अगले ही मुकाबले में कैप्टेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस मुकाबले में ना इसने विकेट चटकाई, ना इसने रन्स करे। और चौथे मुकाबले की अगर आप बात करो तो 1 विकेट इसने चटकाई। अब आज के मुकाबले में वाइस कैप्टेंसी किसे दोगे, वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। दीनाकरन ने कंसिस्टेंसी से विकेट्स चटकाई हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि दीनाकरन को आप अगर वाइस कैप्टेंसी दे दो, या कोई नया प्लेयर आता है ऐसे अविनाश पांडा आ जाता है वापस, मैं देखूंगा कि शायद उसे भी वाइस कैप्टेंसी दे सकता हूँ। देवेंद्र सिंह की अगर आप बात करो, 32 रन 10 रन 0 रन और 45 रन लगातार रन स्कोर करे हैं। अगर आप देखो, पहले मुकाबले में रन स्कोर करे, अपने लास्ट मुकाबले में 45 रन की पारी खेल कर देकर गया। सतीश कुंजिर इतनी ज़्यादा बैटिंग ही नहीं आ रही है, जो आ रही है वहाँ पर रन कर नहीं पा रहा है। सचिन शेट्टी 1 विकेट पिछले मुकाबले में इसने चटकाई। दीनाकरन ने भैया पहले मुकाबले में जब ये आया 4 विकेट चटकाई, दूसरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट चटकाई। गणेश की अगर आप बात करो, लगातार 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट, पर अपने लास्ट वाले मुकाबले में 1 भी विकेट नहीं चटकाई। रोहित सप्रू 1-1 विकेट इसने चटकाई। अब अगर आप नीचे आओगे तो सचिन शेट्टी 2 ओवर में 1 विकेट स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। गणेश कृष्णामूर्ति 1.5 ओवर्स 1 भी विकेट नहीं,
स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। डीना करण दो ओवर में एक विकेट। मधुबन प्रभु की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर दो ओवर में एक विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। रोहित सप्रू दो ओवर में एक विकेट। अब अगर हम यहाँ पर स्टार्स की टीम की बात करें, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर अविनाश पांडा, जो मैं आपको कह रहा था भैया, देखो इसने 2020 में 4 मुकाबलों में 92 रन कर रखे थे और विकेट भी चटकाई थी। फिर 2021 में इतने ज़्यादा रन्स तो नहीं करे बट विकेट स्टिल इसने चटकाई है, एक एक ओवर आपको करवा कर देकर जा रहा था। अभी के लिए टीम ने ओवर करवाए ही नहीं है इससे, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। अली हसन को भी टीम ने खिलाया था, T20 में इतने कुछ ज़्यादा खास स्टैट्स हैं नहीं इस प्लेयर के। उसके बाद अगर आप यहाँ पर रवि रजिंद्रन की बात करोगे तो ये प्लेयर भी कुछ बॉलिंग करवा सकता है बट बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाएगा। 11 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर, तो कोई मायने नहीं रखता है 5 ओवर 11 T20 मुकाबलों में। 44 ओवर में से 5 ओवर ही करवाए हैं इसने, जो 44 है करवा सकता था अगर बॉलर होता तो। सी साइड सीसी की अगर आप बात करो, उमर चौधरी आपके पास है, नियाज मोहम्मद, शफकत अली शहीद, फिर उसके बाद यहाँ पर हकीम आपके पास है, कार्तिक चरी आपके पास है, आदित्य गौतम, भारती आपके पास है, आदित्य अरोड़ा, यासिर मलिक, फिर उसके बाद प्रवीण कुमार और शिव गोड़ा। अब बैटिंग सेक्शन में ना ड्रीम इलेवन पर प्लेयर ही नहीं है, दो ही प्लेयर हैं जिन्हें सबके सब रखेंगे। तीसरा प्लेयर पता नहीं भैया कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, गौतम भारती के साथ जा रहे हैं जो आ रहा है 5वें नंबर पर। बट इतना ध्यान रखो कि भैया इसने 2 मुकाबलों में 4 ही रन कर रखे हैं, एक आधे दो कैचेस पकड़े होंगे तो उसके आपको पॉइंट्स देखने को मिले हैं, और कोई पॉइंट्स आपको देखने को मिले ही नहीं है। ये टीम पहला वाला मुकाबला अपना हार कर आए थे, दूसरा वाला मुकाबला चेज करते हुए जीत कर आए। दूसरे वाले मुकाबले में इनके बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा था। उमेर चौधरी 3 और 13 रन की पारी, नियाज मोहम्मद 52 और 7 रन की पारी। इतना ध्यान रखना, नियाज मोहम्मद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। ड्रीम इलेवन पर ड्रॉप कर प्रवीण कुमार जूनियर को भी पिक कर सकते हो बट थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। फिर उसके बाद शफकत अली शहीद की अगर आप बात करो, 25 रन के साथ 2 विकेट, 19 रन के साथ 2 विकेट। हकीम पहले मुकाबले में कुछ नहीं करा, दूसरे मुकाबले में 21 रन के साथ 1 विकेट। अब एक चीज़ कर सकते हो आप, वाइस कैप्टेंसी ना हकीम को दे जाओ। रिस्क है मुझे पता है कि भैया वाइस कैप्टेंसी यार हम एम प्रभु को भी दे सकते हैं, वो भी बॉलिंग बढ़िया करवा सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस हकीम के हैं कि ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग आज के मुकाबले में करवाएगा। स्टार्स की इतना ध्यान रखना, प्रभु की बैटिंग जरूर आएगी, हो सकता है हकीम की बैटिंग भी ना आए, बट स्टार्स में जो एम प्रभु है ना वो बॉलिंग में एक आधी 2 विकेट ला दे तो अलग बात है, नहीं तो बैटिंग में इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस टीम के पास सी साइड के पास बॉलर्स बहुत बढ़िया हैं। मैंने शिव गोड़ा को रखा हुआ है अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में अपनी टीम में। यासिर मलिक 3 विकेट, प्रवीण कुमार जूनियर 1 विकेट। मैं प्रवीण कुमार जूनियर को ट्राई करना चाहता हूँ बट अभी के लिए टीम में जगह नहीं बन रही है, देखता हूँ भैया एक आधी 2 अगर ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा तो वहाँ पर पक्का ट्राई करूँगा। आदित्य अरोड़ा 2 विकेट इसने चटकाई हैं। आदित्य की अगर आप बात करो, 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। शफकत अली सईद 2 ओवर में 2 विकेट, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। प्रवीण कुमार जूनियर 2 ओवर में 1 विकेट, यासिर मलिक 2 ओवर में 3 विकेट, हकीम की अगर आप बात करो 2 ओवर में 1 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। आदित्य अरोड़ा 1 ओवर में 2 विकेट। आदित्य अरोड़ा की सेलेक्शन ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसने 2 विकेट चटका ली हैं और पहले मुकाबले में भी इसने 1 ही ओवर करवाया था, वहाँ पर विकेट 1 भी नहीं चटकाई थी। तो इतना ध्यान रखना कि आदित्य अरोड़ा कंसिस्टेंसी से 1-1 ओवर तो करवा कर देकर जा रहा है बट 2-2 कंप्लीट नहीं कर रहा है और 2 शायद कंप्लीट करे भी ना। नीचे अगर आप आओगे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि हमारे लिए टीम कौन कौन सी बढ़िया, कौन कौन से प्लेयर्स बढ़िया और डिफरेंशियल पिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों प्लेयर्स नियाज मोहम्मद और एस शेट्टी, दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। नियाज को एक बार को ड्रॉप कर सकते हो बट रिस्क ये है कि सामने वाली टीम के बॉलर इतने ज़्यादा बढ़िया है नहीं, तो नियाज मोहम्मद हो सकता है आज के मुकाबले में आपको हाफ सेंचुरी मारता हुआ दिख सकता है। प्रमोद से टीम ओपन करवा रही है बट इतना कुछ ज़्यादा खास इसने करा नहीं है अभी तक ओपनिंग में। उसके बाद अगर आप देखो यू चौधरी और यहाँ पर डी सिंह, ये दोनों प्लेयर्स हर एक टीम में होंगे। तीसरा प्लेयर जो है वो जी भारती के साथ सबके सब जा रहे हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। उस हिसाब से अगर आप देखो मैंने एस गौडो को पिक कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ 5% सेलेक्शन है इस प्लेयर की, बट इतना ध्यान रखना कि इस प्लेयर की बैटिंग आएगी तो ये आपको रन्स कर देकर जाएगा। ऑलराउंडिंग सेक्शन में एस अली शहीद, फिर उसके बाद वाई मलिक। अगर ये पांडा खेलता है ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना है ये पांडा। उसके बाद अगर आप देखो तो नीचे हो गए प्रवीण कुमार जूनियर, मेरा बहुत ज्यादा मन है इस प्लेयर को ट्राई करने का बट अभी के लिए टीम में इस प्लेयर की जगह बन नहीं रही है, मुझे नियाज को ड्रॉप करना पड़ेगा तभी मैं प्रवीण कुमार जूनियर को पिक कर पाऊंगा, तो हो सकता है शायद मैं वो ड्रॉप कर दूं बट वो ग्रैंड लीग में करूंगा, स्मॉल लीग में नहीं। अभी के लिए डी करण के साथ सबके सब जा ही रहे हैं, हमें भी जाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दोनों मुकाबले में विकेट चटकाई है इस प्लेयर ने। उसके बाद अगर आप देखो एम प्रभु, जी कृष्णमूर्ति और एम हकीम, मैं एम हकीम के साथ जा रहा हूं
आप जाने को ए अरोड़ा के साथ जाओगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, एस गौडे की जगह आप आराम से यहाँ पर जी भारती ले सकते हो। तो अगर आपको जी भारती के साथ जाना है तो फिर आपको ए अरोड़ा लेना पड़ेगा यानी तो आर सप्रू लेना पड़ेगा। अगर आप एम हकीम के साथ जाना चाहते हो तो फिर आपको बैटिंग सेक्शन में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके एस गौडा यानी तो कोई और प्लेयर 8 क्रेडिट का या 8.5 क्रेडिट का वो लेना पड़ेगा, तो वो आप ध्यान रखना। ए अरोड़ा भी बढ़िया पिक है, एक एक ओवर आपको करवा कर देकर जा रहा है। आर सप्रू पिछले 2 मुकाबलों में विकेट ला कर देकर गया है, एक एक थोड़ी सी फॉर्म इसने पकड़ी है। ग्रैंड लीग में आर सप्रू को आराम से पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीम अभी के लिए आपके लिए फाइनल है। और अगर आप देखो डिफरेंशियल पिक्स की अगर आप बात करो, ए अरोड़ा आर सप्रू, ऑलराउंडिंग सेक्शन में आपके पास प्रवीण कुमार जूनियर है जो बहुत बढ़िया हो सकता है, अगर अविनाश पांडा खेलता तो अविनाश पांडा भी। बैटिंग सेक्शन में कुछ ऐसा है नहीं और विकेट कीपिंग सेक्शन में कुछ ऐसा है नहीं, तो आपके पास ऑलराउंडिंग सेक्शन में 2 प्लेयर और बॉलिंग सेक्शन में 2 प्लेयर डिफरेंशियल पिक्स जो आपके लिए हैं। अब अगर हम कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी की बात करें, डी सिंह को आप दे सकते हो कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी, बट रिस्की रहने वाली है। एस सेट्टी को भी दे सकते हो, 30-35 रन आपको कर देकर जा ही रहा है कंसिस्टेंसी से, बट इतना कुछ ज़्यादा खास मुझे प्लेयर लगा नहीं है। उसके बाद एस अली शहीद इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैप्टेंसी, ऑब्वियस सी बात है सेफ जाना इसी के साथ जाएंगे। वाइस कैप्टेंसी में क्या करा है प्लेयर्स ने, डी करण को ट्राई कर रखा है, वाई मलिक को ट्राई कर रखा है और तीसरा प्लेयर एम प्रभु को ट्राई कर रखा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो एम हकीम को वाइस कैप्टेंसी दे दो, बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे ही पता है कि भैया एम हकीम क्या पता बैटिंग करे, बॉलिंग आए उसकी ना आए, बैटिंग में नीचे भेज दिया जाए, बट इतना ध्यान रखना कि ये प्लेयर बॉलिंग में आपको एक आधे विकेट ला कर देकर जाएगा, और बैटिंग भी अगर टीम इसे चौथे नंबर पर ही भेजती है तो इतना ध्यान रखना 20-22 रन आपको कर देकर चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंशियल पिक हो सकता है आपके लिए एम हकीम वाइस कैप्टेंसी के लिए। नहीं तो अगर आप ओवर वाइस कैप्टेंसी या कैप्टेंसी के पिक्स ढूंढ ही रहे हो, एम हकीम, वाई अली, डी करण, 3 ऑप्शन ये हो गए और 2 मैंने आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी कर दे ही रखे हैं, तो ये आपके पास 5 ऑप्शन है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए। बहुत ही ज़्यादा अलग जाना है, मतलब बिल्कुल ही अलग चले जाना है, तो भैया उसमें आप नियाज मोहम्मद, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा वही मैं आपको बताता हूँ कि भैया ओपनर्स चल गए हैं नियाज, तो आप इतना ध्यान रखना कि फिर इनके बॉलर्स आपको मतलब HS के बॉलर्स नहीं पिक करने हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ग्रैंड लीग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।